हाय गाइस, वेलकम वेलकम टू स्टडी मोर। दिस इज़ डॉक्टर अनिल। सो गाइस, लास्ट टाइम वी सॉ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। दैट्स वी सॉ स्ट्रक्चर, वी सॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेल। वी सॉ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, व्हाट इज़ टिलोमियर, व्हाट इज़ सेंट्रोमियर, व्हाट इज़ हिट्रोक्रोमेटिन, व्हाट इज़ यूक्रोमेटिन, एंड ट्रांसक्रिप्शन वी सॉ। देन आफ्टर दैट वी सॉ द स्प्लाइसिंग, एंड द लास्टली वी सॉ हाउ फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन सिंथेसिस बाया ट्रांसलेशन अकर्स। ओके, सो ऑल दैट वी सॉ इन ब्रीफ। सो नाउ टुडे लेट मी टेल यू दी नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए सिक्वेंस के क्लासेस क्या होते हैं, राइट? सो नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए सिक्वेंस जो है उसके क्लासेस हैं, राइट? उसके क्लासेस है मीन्स दीज आर द फंक्शनल क्लासेस, राइट? फंक्शनल क्लासेस। सो इसके अंदर पहले तो हमने वो जो देखा था डायग्राम में, प्रोमोटर देखा था और एनहांसर देखा था, राइट? प्रोमोटर और एनहांसर। एनहांसर यू नो दैट इट मॉड्यूलेट्स द जीन एक्सप्रेशन, राइट? व्हाट एनहांसर डू, इट रेगुलेट, इट हैज़ अ रेगुलेटरी फंक्शन। क्या है इसका फंक्शन? क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन है। सो ये क्या करेगा? ये मॉड्यूलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेशन करने का काम किसका है? एनहांसर का। सेकंड, द प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या है? ये जीन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। सो इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट करना। सो जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, वैसे स्टार्ट, इनिशिएशन उसको बोलते हैं, इनिशिएशन, राइट? दिस इज लाइक दिस ओनली, इनिशिएशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन इज बाय विच दिस प्रोमोटर, राइट? ऑल दीज आर द फंक्शनल क्लासेस। ओके गाइज, देन वी हैव नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए। सो दिस नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए, व्हाट टू से अबाउट मीन, इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये 80% इसका रेगुलेटरी फंक्शन है, राइट? इसका दिस इज 80% रेगुलेटरी फंक्शन। वी हैव 80% रेगुलेटरी फंक्शन। उसके बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन जब ट्रांसक्राइब हो जाता है ये, राइट? व्हेन इट गेट्स ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। ओके, सो फिर बाद में माइक्रो आरएनए, फिर बाद में लॉन्ग नॉन कोडिंग ट्रांसलेटेड इनटू द, फिर देन वो प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, राइट? सो लेकिन जब ट्रांसलेशन होता है, राइट, जब ट्रांसलेशन होता है तब ये कभी भी आगे जाकर कॉपी नहीं होता, अंडरस्टैंड? विच मीन्स दैट नेवर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। सो प्रोटीन जब बनता है, दिस नेवर गेट ट्रांसलेट, दिस आरएनए नेवर गेट ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। ओके, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, माइक्रो आरएनए और आरएनए। सो इस तरीके से, सो वास्ट मेजोरिटी इज ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, देन माइक्रो आरएनए, देन लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। लेकिन जब ट्रांसलेटेड हो, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद फाइनली जो बनता है वो क्या बनता है? प्रोटीन, राइट? सो ये प्रोटीन में दीज डोंट गो, ये ट्रांसलेट नहीं होता, राइट? नेवर नेवर गेट ट्रांसलेटेड। आपको जिस समय ट्रांसलेट होगा तो एबनॉर्मलिटी होगी, राइट? सो ओके, लेकिन इसका एक काम क्या है? सो बट ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, बट इट कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। रिमेंबर, दिस इज रेगुलेशन और मॉड्यूलेशन किसका काम है? मॉड्यूलेशन किसका काम है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले तुमको, एक एनहांसर होता है और एक प्रोमोटर होता है। दिस इज प्रोमोटर और दिस इज एनहांसर, दिस इज प्रोमोटर, दिस इज एनहांसर। और एनहांसर का काम क्या है? मॉड्यूलेट दू जीन एक्सप्रेशन, राइट? और नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए का क्या क्या है? रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ओके ओके, आगे थर्ड वाला क्या है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसको हम जंपिंग एलिमेंट भी कहा कहते हैं, राइट? जिसको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। आई होप तुमको समझ रहा है मैं क्या लिखा है, राइट? मैंने क्या लिखा है मिटा के वापस लिखूँ क्या? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ओके, उसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स ये एक एग्जांपल है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का। सो
सो ये यूजुअली 1/3 होते हैं अपने ह्यूमन जीनोम के। कितने होते हैं? 1/3, मीन्स अपना तीसरा ह्यूमन जीनोम जितने भी है हमारे में उसके 1/3, तीसरा भाग जो होता है वो ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का होता है, राइट, बना हुआ होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन भी कहते हैं, राइट, इसको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? एक तो जीन रेगुलेशन करना और क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन करना, राइट। व्हाट इज फंक्शन इज व्हाट इम्प्लिकेटेड इन जीन रेगुलेशन और क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, दिस गेट इम्प्लिकेटेड। देन विल सी द स्ट्रक्चरल, मतलब एक कुछ स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, टीलोमियर वगैरह वो सब। सो देखते हैं अभी। सो दिस टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर, व्हाट इज टीलोमियर? टीलोमियर इज क्रोमोजोम एंड, राइट। सो जैसे हमने वो देखा था ना क्रोमोजोम का डायग्राम, सी बता देता हूँ, किधर है, लास्ट टाइम हमने देखा था ना, आई होप यू ऑल रिमेम्बरिंग दिस, रिमेम्बर दिस, याद है ना, इसलिए रेगुलर लेक्चर अटेंड करो बोल रहा हूँ मैं, राइट। सी दिस इज टीलोमियर, राइट। ये क्या करता है? ये कैप बनाता है यहाँ पर एंड में। सो दी एक क्रोमोसोम के एंड में, दिस इज क्रोमोसोम एंड, इट प्लेस एट अ क्रोमोसोम एंड, ओके। और सेंट्रोमियर, व्हाट इज सेंट्रोमियर? सी दिस इज सेंट्रोमियर, ओके। सो सेंट्रोमियर, सो इसको क्या कहते हैं? ये ज्वाइन करता है दोनों का, राइट, दिस इज सेंट्रोमियर। सो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम टीथर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम टीथर, टीथर्स, ओके गाइस। सो नाउ गोइंग टू आवर, अगेन हम जाते हैं अपने लेक्चर पे। सो यहाँ तक हम आ गए। गाइस अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मीन्स SNP और CVV। SNP और CNV ये दो एक वेरिएंट्स है, मीन्स कुछ वेरिएशंस होते हैं ना, जैसे समझ लो अभी ये हमने नॉन कोडिंग का देखा, राइट। सो एक जेनेटिक वेरिएशन होता है, राइट, जेनेटिक वेरिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म। सो जीन का वेरिएशन होने के बाद उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिनिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिनिज्म? व्हाट यू कॉल पॉली मॉर्फिनिज्म, ओके, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो जीन का होगा तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये इसके वजह से क्या होता है? डिजीज होती है गाइस, व्हाट है, ये हमेशा डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? मोस्टली नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन, नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ जीनोम, ओके। सो इस वजह से ये जो जीन्स है, जीन रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये डिजीज कॉजेशन का एक रीज़न है, राइट। सो इसके अंदर हम डिजीज़ कैसे बनता है, क्या बनता है, क्यों होता है, ये सब पता चलता है। सो हम स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ने से ज़्यादा मेन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो पढ़ना है, नॉन प्रोटीन कोडिंग जीनोम क्या है वो पढ़ना है, और उसके अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो पढ़ना है। इसके इसके वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेस होते हैं, राइट, एंड दिस इज़ व्हाट मेक डिफरेंस डिफरेंट। सो नाउ देर आर दो दो सबसे कॉमन ऐसे DNA वेरिएशन है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ DNA वेरिएशन, ओके गाइस। सो दो कॉमन DNA वेरिएशन, एक है SNP और सेकेंड है CNV। तो कहाँ लिखूँ? सेकेंड है CNV, CNV यहाँ लिखता हूँ, CNV, ओके। SNP क्या होता है? उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं उस जगह पे ही, उस पोजीशन पे ही वेरिएशन होता है। सो वेरिएशन अकर्स एट व्हाट? वेरिएशन अकर्स एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन,
only, right? Variation occurs at single nucleotide position. ओके सो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNP? सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके गाइज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अंडरस्टूड ना? देन सेकेंड जो होता है वो होता है CNV. सो CNV क्या होता है? CNV इट इज कॉपी, इसका फुल फॉर्म है कॉपी नंबर वेरिएशन. व्हाट? कॉपी नंबर वेरिएशन. ओके गाइस, सो अभी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. ओके गाइस, प्लीज अपोलोजाइज. सो ये CNV क्या होता है? सो ये SNP जो होता है, ये SNP अराउंड 6 मिलियन SNPs रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट? और ये कहाँ कहाँ अकर्स होते हैं? ये एक तो मिलते हैं, अब पाए जाते हैं एग्जॉन्स में, इंट्रॉन्स में, और इंटरजेनिक रीजन में, और कोडिंग रीजन में, राइट? सो कोडिंग और नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन में भी, दोनों में ये पाए जाते हैं. लेकिन ये कोडिंग रीजन के अंदर सिर्फ 1% पाया जाएगा. कितना? कोडिंग रीजन के अंदर सिर्फ 1% पाया जाएगा. और इसलिए हम ये सिर्फ बाय चांस ही अपने को मिलेगा इसके अंदर की एबनॉर्मलिटी या फिर जो भी होगा. तो सो ये सिर्फ बाय चांस अपने को एक्सपेक्टेड है कि मिले. क्यों? बिकॉज कोडिंग रीजन जीनोम, जीनोम का कितना पार्ट कोडिंग रीजन होता है? 1.5% ओनली कोडिंग रीजन होता है जीनोम का. ओके गाइस, सो अभी देखते हैं. सो ये SNP जो है, ये नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन के अंदर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? नॉन कोडिंग में भी रहता है, कोडिंग में भी रहता है. तो नॉन कोडिंग रीजन के अंदर वो नॉन कोडिंग जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो देखे थे हमने, राइट? रेगुलेटरी एलिमेंट्स, उसके ऊपर ये तुमको मिलेंगे. सो जैसे अभी ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स के ऊपर पाए जाएंगे, सो रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या करते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे. इसके वजह से सो दिस हैज़ दिस ये SNP जो है, इस हैज़ द कैपेबिलिटी टू अल्टर द जीन एक्सप्रेशन, राइट? इसके वजह से ये डायरेक्टली डिजीज इन्फ्लुएंस कर सकता है. डायरेक्ट इट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिजीज़ और ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिजीज. ओके, डिजीज ससेप्टिबिलिटी को ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ओके, SNP न्यूट्रल भी होता है, राइट? जिसका कुछ इफेक्ट ना भी हो सकता है, या फिर सिर्फ कैरियर फिनोटाइप तुमको मिलेगा. ओके गाइस, अब जैसे कि ये डिजीज़ को डायरेक्टली डिजीज ससेप्टिबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है SNP, बट वीकली ससेप्टेबल कर सकता है. सो इसकी डिजीज ससेप्टिबिलिटी कैसी है? वीक है. सो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं. ओके, सो डिजीज ससेप्टिबिलिटी इज, सो SNP हैज वीक डिजीज ससेप्टिबिलिटी. ओके गाइस, वीक डिजीज ससेप्टिबिलिटी. सो अब देखते हैं हम CNV. ओके गाइस, व्हाट इज CNV? कॉपी नंबर वेरिएशन. ओके, CNV, CNV इट इज अ फॉर्म ऑफ, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कंसिस्टिंग ऑफ
different number of large contiguous stretch of DNA. DNA, ओके, सो CNV क्या है? ये भी एक जेनेटिक वेरिएशन है, एक टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ लार्ज स्ट्रेच ऑफ DNA इन्वॉल्व रहते हैं। सो कितने होते हैं? सो उसके रेंज क्या है? सो रेंजिंग फ्रॉम 1000 बेस पेयर टू मिलियंस ऑफ बेस पेयर। अब ये जो CNV होती है, ये तो बाय एलेलिक भी हो सकती है। बाय एलेलिक, इट कैन बी बाय एलेलिक, समटाइम्स इट इज लाइक बाय एलेलिक लाइक SNP, ओके, और इट कैन बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट ऑफ जीनोमिक मटेरियल जीनोमिक मटेरियल ओके बट दिस इज मल्टीपल एलेलिया एलेलेस आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलेलेस, ओके। सो व्हाट CNV इज? व्हाट कॉपी नंबर वेरिएशन, इट इज द फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विच कंसिस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ लार्ज कॉन्टिग्यूस स्ट्रेच ऑफ DNA, और कौन सा उसका रेंज कहाँ से होता है? 1000 बेस पेयर टू मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स, ओके। और ये बाय एलेलिक भी हो सकते हैं, लाइक SNP के तरह। SNP यू नो ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सो और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट में भी होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट ऑफ जीनोमिक मटेरियल के, बट ये मल्टीपल एलेलेस के फॉर्म में होंगे, राइट। और ये CNV जो है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, एक मिनट यू, दिस CNV कॉपी नंबर वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ बेस पेयर जो है सीक्वेंस, मिलियंस ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल बिटवीन बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स। सो सी, दिस CNV इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। किस में डिफरेंस आता है? मिलियंस ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस के डिफरेंस में, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स के सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ CNV कॉपी नंबर वेरिएशन, इनकोडिंग सीक्वेंस में अप्रॉक्स 50% CNV जो है वो जीन कोडिंग सीक्वेंस में इन्वॉल्व होता है। सीक्वेंस में इन्वॉल्व होता है, ओके। एंड इट आल्सो अंडरलाय इसके वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी। सो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन फिनोटाइपिक डाइवर्सिटी के की रीज़न भी CNV ही है,
ओके गाइस, अब एक क्वेश्चन है कि फिनोटाइप्स मतलब दो पर्सन है, इन एनी टू पर्सन देर इज फिनोटाइपिक वेरिएशन, राइट? मतलब एक्सटर्नल अपेयरेंस उसका डिफरेंस होता है, बट उसके लिए सिर्फ ओनली अल्टरेशन इन डीएनए सिक्वेंसिंग इज नॉट कैन नॉट एक्सप्लेन. अल्टरेशन इन डीएनए सिक्वेंसिंग कैन नॉट एक्सप्लेन दी डिफरेंस इन फिनोटाइपिक्स ऑफ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, सो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर अपने को मिलेगा एपिजेनेटिक्स में, वेयर वी विल फाइंड द आंसर, वी मे फाइंड द आंसर ऑफ दिस इन एपिजेनेटिक्स. अभी एपिजेनेटिक्स क्या है? सो ये एक हेरिटेबल चेंजेस है, इट इज़ अ हेरिटेबल चेंजेस और डिफाइन एज हेरिटेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, विच इज और दैट आर नॉट कॉज बाय डीएनए सिक्वेंसिंग. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी मोर, मेडिकल लेक्चर. अगर आप ये सर्च करोगे स्टडी मोर मेडिकल लेक्चर, हैशटैग स्टडी मोर मेडिकल लेक्चर्स, सो यू विल ईजिली गेट माई चैनल, ईजिली फाइंड माई चैनल. ओके, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको ये पसंद आ रहा हो. सो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दो, और बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि आपको नए वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आपको मिलते रहें. थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू.